इस सरकार हमारी मुस्लिम हिंदू यकजहती को गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करना चाहता। आदाब, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर क्षेत्र में हूं और हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी। महाराष्ट्र की समाजवादी की जो राजनीति है, क्योंकि महाराष्ट्र में महानगर पालिका और नगर पालिका का चुनाव अगले ही साल अप्रैल में होने की उम्मीद है, ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो भी करीब है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से फिलहाल समाजवादी का क्या रोल रहेगा और मुंबई में इसी उत्तर प्रदेश के सरायमीर के पास से मंजिरपट्टी गांव से अबू आसिम आजमी का जो नेतृत्व वहां चलता है समाजवादी के लिए, उनका क्या रोल रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। भाई साहब, हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं और आपके चाहने वाले भी देखेंगे, फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो माहौल है समाजवादी का, जगह जगह मैं देख रहा हूँ मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी की क्या नीति रहेगी? देखिए, आप आए होंगे तो आपको थोड़ी देर यहाँ ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा, क्योंकि हमारी बैठक चल रही थी और ये मासिक बैठक है और हर महीने होती है, और इससे इतर भी हमारी जो है संगठन की बैठक, हमारे सेक्टर प्रभारियों के साथ हमारे सेक्टरों की समीक्षा बैठक, ये सब बहुत तेजी से काम हम लोगों का चल रहा है। और पार्टी का जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो पार्टी का माहौल ये कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी ग्राह्यता, उनकी स्वीकारता, उनका उनकी सौम्यता, उनकी दक्षता, उनका जो विजन है विकास के लिए, जो उन्होंने पिछले 5 साल पहले अपनी सरकार में किया था विकास का काम, उसमें आपको मैं गिनाऊंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन उसमें आपका कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर के, लोहिया इंस्टीट्यूट से लेकर के, काना स्टेडियम, रिवर फ्रंट है ना, बहुत से 11 मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाने की प्रक्रिया शुरू की, आपके आजमगढ़ में तुम्हारी संचालित ही है, जौनपुर में आपका मुझे लगता है 60% से अधिक बनकर तैयार है, इसी तरह से कन्नौज में और तमाम जगहों पर 11 उस बहुत लंबी फहरिस्त 11 मेडिकल कॉलेज बनाने का हुआ, लेकिन ये सरकार उस मेडिकल कॉलेज पर 1 रुपया नहीं दे पाई। ये तो प्रदेश के पैमाने की बात हो गई। हम अपने क्षेत्र में यहाँ 100 बेड का ट्रामा सेंटर आप देखे होंगे, ये है फूलपुर पवई 349 इसका नंबर है विधानसभा का, और नाम फूलपुर पवई आजमगढ़ की विधानसभा है ये, तो यहाँ पर हम 100 बेड का ट्रामा सेंटर ले आए सरकार के दौरान, हमने 8 महीने में ही उसको बना करके 5 फ्लोर का बनाकर सब तैयार करके कर दिया, और दुर्भाग्य से सरकार ने, इस समय की सरकार जो है, इस सरकार के एमएलए और इस सरकार ने हमारे उस ट्रामा सेंटर में अभी तक, इस वक्त अब तो थोड़ा दिन बचा है चुनाव में, अभी तक उस ट्रामा सेंटर का प्लास्टर, मशीनें या उसका जो है स्टार्टअप नहीं हो पाया। लगभग कितना समय बचा हुआ है चुनाव में? अब चुनाव तो कार्यकाल, अब जैसे गठन पार्टी मुख्यमंत्री का तो हो गया था मार्च में ही, लेकिन विधानसभा का ये है कि जिस दिन विधानसभा की बैठक होती है उस दिन से कार्यकाल जोड़ा जाता है, तो मई तक कार्यकाल है, पहली बैठक मई में हुई थी, उसके पहले चुनाव होना चाहिए। अब सरकार और सरकार के तंत्र, चुनाव आयोग कब चुनाव निश्चित करता है तो वही तय करेगा। समाजवादी का गठबंधन कितनी पार्टियों से होने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो स्ट्रेटजी का मामला, रणनीति का मामला है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का सवाल है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ा नेता ही नहीं बचा सतीश मिश्रा जी को छोड़कर। अगर आप किसी का नाम लेना चाहें तो मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी के अलावा आप किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। सारे नेता हमारे दल में आ गए, जो बाकी थे लालजी वर्मा, रामाचल जी, वो भी आ गए, अब 7 तारीख को फिर उनके यहाँ कार्यक्रम भी है, तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारे नेता की ग्राह्यता और स्वीकारता बढ़ रही है, तो लोग उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे दल का कारवां बड़ा होता जा रहा है, और हमारा दल, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे ओम प्रकाश जी ने ललकार करके कहा आप लोगों के समक्ष कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हुए कि माननीय अखिलेश जी अगर 1 सीट भी ना दे तो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने और हराने के लिए मैं उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हूं। देखिए,
समय समय पर बदलाव होता रहता है गठबंधन में जी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में AIMIM मौजूद है और बड़ी मेहनत से वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसी देखिए AIMIM के जो है हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो संयोग से हमारे ही विधानसभा के हैं, तो उनकी जो उनका जो राजनीतिक कौशल है वो हमको 30 साल 32 साल हो गया कुर्ता पहने हम देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से IM यहाँ पर कोई प्रभाव बना पाएगी। अब देखिए जैसे और इस बार जो हमारे मुस्लिम वर्ग के साथी हैं उन्होंने देख लिया कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी संस्कृति को, हमारी पूर्वजों की धरोहर को, हमारे आपसी व्यवहार को, हमारे भाईचारे को ये सरकार अपने कृत्यों से तार तार करना। बिहार के अंदर उस दल ने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती, 15 सीटें हरा दी, बिहार में सरकार नहीं बन पाई जिस तरह से जो हुआ आपको मालूम है। आपके महाराष्ट्र में उस दल ने 2 सीटें जीती, 30-35 सीटें जो है हरवा दी। तो जो लोग कहते हैं अब उस पर मैं जाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या तय करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कहीं मतलब इस तरह की है। हमारे और भी पश्चिम में हमारा जो जयंत चौधरी जी से है ही है गठबंधन का, वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बनाए हैं रणनीति उसमें तमाम लोग हैं, जो समय समय पर गठबंधन होगा और लोग वो खुलासा होता जाएगा। और अगर अभी से हम लोग खुलासा कर देंगे तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी की तरह से किसी को कोई लाभ का पद मिल जाएगा और वो जो है हम लोग हाथ बढ़ाएगा हमारी तरफ और मिलाएगा किसी और तरफ, तो इसलिए रणनीतिक मामला है। हम लोग भी उसी तरह से सावधानी से चल रहे हैं जिस तरह से हम लोगों को 17 में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया था, तो उससे सावधान होकर के हम लोग छोटे छोटे लोगों को जोड़ करके एक बड़ी इकाई बना करके और इस सरकार को किसी भी सूरत में हटाने का काम करें। एक आखिरी सवाल है, बीच में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कुछ ऐसे पोस्टर देखने को मिले, सांसद लापता, या आपको तो पता है? देखिए ये तो लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र में ये परंपरा होनी चाहिए कि जो विरोध करने वाला है उसको पूरा अधिकार होना चाहिए, और अगर कोई साथी हमारी नीतियों कार्यक्रमों से मैंने आश्वस्त नहीं है, उससे इत्तफाक नहीं रखता तो विरोध करेगा। और हमारे जो सांसद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, जेट प्लस की सुरक्षा है, तो रोज रोज वो नहीं पहुंच संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो ऐसे ही आने की अनुमति नहीं दे पाती कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम ये नहीं दे पाएंगे। फिर भी जितना वो आते हैं मुझे नहीं लगता कि उनके स्तर का कोई नेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना जाता होगा। अभी आकर गए उन्होंने जो है सैकड़ों बच्चों को, मेधावी बच्चों को लैपटॉप बांटा, इस सरकार ने अपने जो है संकल्प पत्र में कहा था कि हम नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, तो अभी तक तो नहीं दे पाई, 5 साल बीतने को आ गया। अब हम जब बांट देते हैं तो उनको मिर्च लगती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओम प्रकाश जी के गठबंधन पे जहां लाखों लाख की भीड़ थी उन्होंने कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रवेश की थी वो दरवाजा ओम प्रकाश जी बंद करेंगे और हम चिटकली लगा देंगे, तो इससे घबराए हुए उन्होंने कहा ना कि हमारे इस लाल और पीले झंडे से और टोपी और गमछे से दिल्ली और लखनऊ में कौन लाल पीला हो रहा है, तो आप महसूस करिए कि लाल पीले हो रहे हैं लोग हमारे इस गठबंधन से। इसी गठबंधन से तो कंफर्म हो गया कि हमारी सरकार बनना है, और अभी आने वाले समय में उत्तरोत्तर सीटें बढ़ती जाएंगी, साथियों की हकदारी और गठबंधन बढ़ता जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी सूरत में जो उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, तो उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम सीटें जीतने में, अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनकर के 2-3 सीटें ही पाए तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के MLA हैं रईस शेख जी, और पार्टी वहाँ बड़े पैमाने पर इस वक्त काम कर रही है क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव सामने है, ऐसे में वहाँ के कार्यकर्ताओं को आपकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए मैं भी कई बार मुंबई जाने का मुझे भी अवसर मिला है पहले भी, और MLA के तौर पे भी सरकार में था तब भी वहाँ मैंने कई मीटिंग संबोधित की है चुनाव में। भी मंडी शहर ऐसा है कि उसमें आपके खास करके आजमगढ़ की बहुत बड़ी आबादी है, आप अगर वहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं, और अपने अगल बगल के भी जिलों के बहुत से लोग हैं, तो वहाँ का मेयर, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा मानना जितनी मुझे जानकारी भी मंडी शहर की है,
कि वहाँ का पार्षद ही नहीं, अगर पार्टी एकजाई होकर के अबू आसिम भाई के नेतृत्व में मेहनत कर देगी लक्ष्य साधने के लिए, तो वहाँ का मेयर भी समाजवादी पार्टी जिता सकती है, ऐसा मेरा मानना। आपका जो लोकल क्षेत्र, जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र रहा है आपके दौर में जब आप विधायक थे, तो इस बीच इस इलाके के कुछ ऐसे काम बताइए जो जनता यानी दर्शक हमारे जान सकें। देखिए, हम 2012 में चुने गए और सौभाग्य था कि सरकार बनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्कालीन मुख्यमंत्री बने। हम लोगों का जो उनसे संपर्क संबंध है, जो निकटता है, उसका ये लाभ मिला कि जो भी पत्र हमने विकास के लिए लिखा, एक तो उनका विज़न, उनका व्यू था ऐसा कि विकास हो, जो भी पत्र हमने लिखा उन्होंने बिना विचार के उस पर स्वीकृति दी, पैसा सेंक्शन किया और हमने उसको कराने का काम किया। अगर आप मुझसे एग्रीगेट पूछेंगे तो 1100 करोड़ रुपए का काम फूलपुर पवई विधानसभा में हुआ, जिसमें 5 पुल बने बड़े बड़े, और ट्रामा सेंटर बना आपका, मंडी बनी, माहौल को टाउन एरिया बनाया, 2 नए सब स्टेशन बनाए और सड़कें बहुत बनाई। अब आप समझिए कि सरायमीर से अंबारी तक को लोग आना जाना छोड़ दिए थे, बसों का रुख जो है सरकार ने मोड़ दिया था, फैजाबाद होकर जाती थी, लेकिन हमने उसको जो है 4-5 महीने के अंदर इतना अच्छा कर दिया सरायमीर से लेकर सागंज तक कि फिर वो बसें वापस डाइवर्ट होकर के अब इधर से लखनऊ जाने लगी। इसी तरह से हमने जो है आपका दीदारगंज से लेकर के पुलिया, हमारे फुलवरिया है वहाँ तक की सड़क अच्छी किया, मतलब छोटी छोटी सड़कें, और उस तरह से देखें तो बहुत से काम हुए। मंडी का हमने 4 एकड़ आपका यही लखनऊ बलिया मार्ग पर एकत्रित किया, उसका सेंक्शन कराया, अब उसमें बाबा की सरकार ने गौशाला खोल दिया, ज़बरदस्ती पोखरा खनवा दिया, उसमें जो भी काम कराया उसमें पैसा नहीं दे पाई ये सरकार और उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। विकास के तमाम कार्यों में आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए हाल बना हुआ है, 2.5 करोड़ रुपए इसकी भी स्वीकृति माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, काम के लिए वो इस विद्यालय का एक अंश है मल्टीपर्पज हॉल के रूप में, तो इसीलिए जो है इस तरह के बहुत से आप सड़कों का देखेंगे, आप जहाँ जहाँ भी घूमेंगे तो जितनी सड़कें बनी हैं सब हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान तो सब खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं 5 साल से उस पर कोई रिपेयरिंग नहीं। आप जैसे सागन से सरायमीर जाएंगे नहीं खराब दिखेगी, आप भेड़िया से फुलवरिया जाएंगे नहीं खराब दिखेगी, जो हमने बनाया था जिस पर रिपेयरिंग हो गई वो बनी हुई है, जिस पर रिपेयरिंग नहीं हुई इतना विजन रखते हैं विकास का, और इतने मृदुभाषी हैं, इतने सौम्य हैं, इतने सरल हैं, इतने सरस हैं, और जिनकी स्वीकारता पूरे देश में एक समाजवादी नेता के रूप में बढ़ रही है, उनको हम हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि साताताई सरकार को हटाने के लिए किसी भी सूरत में हमारे नेता के नाम और उनके निशान के आगे, साइकिल निशान के आगे मुहर लगा करके जात पात धर्म ऊंच नीच हर चीज़ से आगे बढ़ करके, क्योंकि सरकार ने ना रोज़गार दिया ना नौकरी दी, कोरोना काल में सरकार कुछ कर पाई, करोड़ों की संख्या में लोग मरे और सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से एक भी नहीं मरा, हमारे क्षेत्र में सैकड़ों लोग मर गए, हमारा गांव 4000 की आबादी का 8 लोग यहीं मरे, हमारे अपने गांव की बात मैं बता रहा हूं, हम लोगों से लोग सिलेंडर के लिए कितना परेशान रहते थे, रात रात सोने नहीं देते थे, हम लोग भी मतलब मन में एक आह रह गई कि हमने आपकी मदद नहीं कर पाए, हमने आपकी मदद नहीं किया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, हाथ पे हाथ धरे रह गए। सरकार ने कोरोना के दौरान न जाने कितने मासूमों की गार्जियनशिप छीन ली, उनके बाप छीन लिए, उनकी माँ छीन ली, उनके दादा छीन लिए, भाई छीन लिए, और इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद। ये थे श्याम बहादुर सिंह जी, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अब पूर्व विधायक हैं। बहरहाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर बनी समाजवादी पार्टी का अब ये नारा है कि अब की बार 400 के पार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ फूलपुर क्षेत्र से अबू तलहा अंसारी के साथ खान फखरे आलम। चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए। थैंक यू।